आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमें बोला गया है सबसे कम वाष्प दाब किसके लिए होगा। हमें ऑप्शन दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है 1 मोल, हमारा पहला ऑप्शन है 0.1 मोल शर्करा विलयन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 0.1 एम KCl विलयन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 0.1 एम CuNO3 का होल ट्वाइस विलयन, और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.1 एम AgNO3 विलयन। सबसे पहले हम बात करते अणु संख्यक गुणधर्म। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि जो राउल्ट का नियम है, ये नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम किसके इक्वल होता है, ये बोलता है कि आपका जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब आपके वाष्प दाब के से माइनस डिवाइडेड बाय आपके विलयन के वाष्प दाब के इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो आपका वाष्प दाब है ये क्या है, ये आपके कुल वाष्प दाब में परिवर्तन है। क्या है, ये आपके कुल वाष्प दाब में परिवर्तन है, यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं राउल्ट का नियम किसके इक्वल है, तो ये किसके बारे में बताता है, ये कुल वाष्प दाब में परिवर्तन है। ठीक है, कुल वाष्प दाब में परिवर्तन ये क्या है, ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म है। और राउल्ट का नियम हमें पता है कि शुद्ध अवस्था में आपका जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब, ठीक है, उसमें से माइनस हम क्या करेंगे, विलयन का वाष्प दाब और आपका विलयन का वाष्प दाब, ये हमारा राउल्ट का नियम है। ठीक है, और राउल्ट का नियम जो होता है आपके किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके मोलर का गुणा आयनन पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि साम्य अवस्था पर आयनन के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है इसमें देखिए कि इसमें प्रश्न में देखिए कि इस प्रश्न में आपको कितने मोल दिए गए हैं। देखिए आप गई हैं, कितनी दी गई है, 0.1, यानी कि मोलरता हमारी कितनी है, 0.1, यहाँ पर भी 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 दी गई है और यहाँ पर भी हमें 0.1 दी गई है। ठीक है, लेकिन जब हम आयनन की बात करते हैं कहाँ पर, साम्य अवस्था पर, तो शर्करा विलयन के लिए जो आयनन होता है उसका वो कितना होता है, 1 होता है। और जब हम बात करते हैं KCl की, तो यहाँ पर आयनन कितना पॉसिबल है, आपके K+ में टूट जाएगा और आपके Cl- में टूट जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए कि आपका KCl है, तो KCl को हम अगर आयनन साम्य अवस्था पर देखते हैं तो यहाँ K+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयनन कितना है, यहाँ पर आपका आयनन 2 है। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट देखिए, आपका क्या है, CuNO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, तो ये भी कितने में टूट जाएगा, ये भी Cu2+ आपके 2 मोल ऑफ NO3 में टूट जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर कितने आपके पास आयन हो गए, 3 आयन हो गए। ठीक है, तो ये गुणा 3। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए आपका क्या है, AgNO3 है, नेक्स्ट क्या है, AgNO3 है, इसको भी हम अगर तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा, Ag+ में प्लस आपका NO3- में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितने टूटे साम्य अवस्था पर, तो आपके 2 हैं। तो यहाँ पर अगर वाष्प दाब सबसे कम उसका होगा जिसका आयनन क्या होगा, अधिक होगा, जिसका आयनन अधिक होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो
ये कॉपर का सॉल्यूट, कॉपर का जो विलयन है, कॉपर नाइट्रेट का जो विलयन है, ये जो है ये सबसे कम वाष्प दाब को दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आयनन है वो सर्वाधिक है। तो इस तरीके से है जो हमारा करेक्ट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।